नमस्कार साथियों, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, संकुल समन्वय के मोहल्ला क्लास बनाने के पश्चात में हम अपना मोहल्ला क्लास कैसे बनाएं और बच्चों को उसमें कैसे ऐड करें और साथ ही साथ उसकी उपस्थिति कैसे दर्ज करें, तो यह पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहले शिक्षक के कार्य और यहाँ पर मोहल्ला क्लास में विद्यार्थी शामिल करें, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोहल्ला क्लास का नाम दिखाई देगा, जो आपके संकुल समन्वयक आपके मोहल्ला क्लास का नाम लिखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्कूल का चयन कर लेना है और क्लास का चयन करना है जिस क्लास में बच्चों को जोड़ना है। तो यहाँ पर सभी बच्चे का नाम दिया गया है, तो आप एक एक करके सभी को ऐसे टिक लगाते जाइए। जितने विद्यार्थी आप जोड़े हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा पोर्टल में जितने विद्यार्थियों का आपने ऐड किया है, उन बच्चों का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो इन बच्चों को इस तरह से आपको क्लिक करते जाना है और क्लिक करने के पश्चात आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको बीच में एक एरो निशान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, दो एरो का निशान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, सभी बच्चों का नाम है वो राइट साइड में आ जाएगा। चूँकि अमरजीत निषाद पहले से आ चुका है, इसलिए नहीं आया। और यदि आप भूलवश गलती से डबल एंट्री कर दिए हैं, तो उसको चयनित करेंगे यहाँ पर और ये वाला एरो का निशान इस पर क्लिक कर देंगे, यह बच्चे डीसेलेक्ट हो जाएगा और ये दूसरी तरफ आ जाएगा। तो साथियों, करना क्या होगा, फिर से इसका चयन करना होगा और सभी को क्लिक करते जाना है। इन बच्चों को क्या करना है, सभी को ऐड करना है। इस तरह से देखिए, सब सभी बच्चों के नाम के सामने टिक हो गया है। इन सभी को मैं सुरक्षित करता हूँ और सुरक्षित करने के बाद शायद एक सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। इस तरह से यह सभी बच्चे हैं, वह क्लास सिक्स में मोहल्ला क्लास में ऐड हो चुका है। तो इसको चेक कर लेते हैं और चेक करने के लिए अपना स्कूल का चयन करेंगे और यहाँ क्लास का चयन करेंगे और देखिए, खोजे पर क्लिक करता हूँ, सभी बच्चे आ गए हैं। इस तरह से मोहल्ला क्लास में इन बच्चों को शामिल करना है। तो अब इसके पश्चात हमको देखना है कि बच्चों को उपस्थिति को कैसे दर्ज करना है। तो यहाँ पर पुनः आ जाना है थ्री डैश लाइन पे और यहाँ पर मोहल्ला क्लास में विद्यार्थी उपस्थिति दर्ज करें, इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे, मोहल्ला का नाम लिखना है और डेट का चयन कर लेंगे आप। यहाँ पर जैसे कि आज 18 तारीख है, 18 तारीख को क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखे पर क्लिक करेंगे और जितने विद्यार्थी आज उपस्थित हुए हैं, उनकी संख्या यहाँ पर भर देना है। उसके पश्चात यहाँ पर सुरक्षित कर देना है, तो सुरक्षित पर क्लिक करेंगे और ये हमारा आज का उपस्थिति दर्ज हो जाएगा। इस तरह से साथियों, बच्चों को मोहल्ला क्लास में जोड़ना है और साथ ही साथ उसकी उपस्थिति को यहाँ पर दर्ज करना है। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त होगी और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।